hard, we got no clue to solve. Really take the place of people who don't think we're trying to do it. तमवाली ने तो अपना वचन निभा दिया है वृक्षासुर, बस अब तुम्हारी ओर से कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। चिंता मत करो महानतम, और देखते जाओ, शमसदन का पुत्र वृक्षासुर भी तुम्हें दिया वचन निभाएगा, और केसरी नंदन को अविलंब अपना आहार बनाएगा। तो इस प्रतियोगिता में आरंभ से लेकर अंत तक आनंद ही आनंद दिखाई दे रहा है मित्रनल। किंतु तनिक सावधानी से इन विशाल पत्थरों को उठाना मित्र। इस प्रतियोगिता के नियम तो अत्यंत टेढ़े-मेढ़े हैं। शायद प्रतियोगिता के समाप्त होने के पश्चात ये दोनों सीधे खड़े हुए दिखाई देंगे। अर्थात मारुति सुमेरु और शमसादन वन के बीच में बनी उस कंदरा की दूसरी ओर लटकते हुए अंग वस्त्र को लेने जाएगा, तो वो शमसादन वन की सीमा रेखा में प्रवेश कर जाएगा, और तभी घात में बैठा वृक्षासुर मारुति पर आक्रमण कर देगा। निसंदेह प्रभु, बाली की ये योजना तो अत्यंत प्रभावशाली थी। हाँ, धूर्त वाली ने गहन सोच विचार कर ये कुटिल योजना बनाई थी, और अबोध मारुति उसकी इस दृष्टता को समझ नहीं पा रहे थे। मैं प्रतियोगिता आरंभ करने जा रहा हूं, क्या आप दोनों तैयार हैं? वाली भैया, मारुति तो कब से खड़ा प्रतीक्षा कर रहा है। मारुति को ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मानो वही इस प्रतियोगिता का विजयी होगा। इतनी बड़ी चट्टान के आकार को देख मुझे तो इन दोनों के ही सामर्थ पे शंका हो रही है। आप दोनों अपने चिन्हित मार्ग पर आ जाइए, मेरे प्रस्तुत सतर्क और आरंभ कहते ही प्रतियोगिता आरंभ हो जाएगी।
सतर्क, सावधान, आरंभ। वाह, बहुत अच्छे। अद्भुत नील, अद्भुत। अब तुम्हारी बारी है केसरी नंदन। अब मारुति आगे आओ और कुछ करके दिखाओ। अब तुम पुनः प्रयास करो। वाली भैया, वो वाला पत्थर तो बहुत हल्का था। मारुति को उसे फेंकने में आनंद नहीं आया। क्या मारुति यह भारी वाला पत्थर फेंक सकता है? तुम्हें आनंद दिलाने के लिए यहाँ हर प्रकार और आकार के पत्थर है। पत्थर फेंको। मारुति ने कहीं वो पत्थर ब्रह्मांड पार तो नहीं पहुंचा दिया?
पहले ज्ञात होता तो मैं भी उस पत्थर पर बैठकर ब्रह्मांड भ्रमण के लिए चला जाता। बस अब तुम दोनों रुक क्यों गए? आगे बढ़ो, अभी तो बहुत से पत्थर उठाने बाकी है। आगे बढ़ो। ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिव्य लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिव्य लोक उजागर दूत अतुलित बल धामा रंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिव्य लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिव्य लोक उजागर रंजन भरण विराज सुबेसा कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिव्य लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिव्य लोक उजागर जय मारुति ने तो तुम्हारे हिस्से के पत्थर भी उछालकर फेंक दिए। माली भैया, ये मैदान तो छोटे बड़े पत्थरों से विलीन हो गया। अब केवल वो बड़ी चट्टान शेष रह गई है। वाली भैया, शीघ्र ही चलो। मायावी मरकट, कदाचित तू उस वृक्षासुर का भोजन बनने के लिए अत्यंत व्याकुल है। आजा, आजा, केसरी नंदन, शीघ्र उस चट्टान को हटाकर मेरे मुख में समा जा। ठहरो मारुति। सर्वप्रथम नील इस चट्टान को हटाने का प्रयास करेगा। हाँ हाँ नील, आगे बढ़ो और इस चट्टान को हटा दो। जो भी करना है शीघ्र करो, अब मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। Thank you.
हुआ प्रिय? एकांत में क्यों खड़ी हो? मारुति की राह देख रही हूँ आर्यपुत्र, किंतु वाटिका में तो चारों ओर शांति प्रतीत हो रही है। यदि मारुति और उसके मित्र वाटिका में होते तो इतनी शांति होना संभव नहीं है। मारुति क्षण भर के लिए भी तुम्हारी दृष्टि से ओझल हुआ नहीं कि तुम चिंतित हो जाती हो प्रिय? तो क्या आप चिंतित नहीं होते आर्यपुत्र? सत्य कह रहे हो प्रिय, मारुति की अनुपस्थिति में राजमहल में इतनी चहल पहल होने के उपरांत भी कितना सन्नाटा लगता है। चलो हम प्रतियोगिता में चल के मारुति का उत्साह बढ़ाएं। आपने तो मेरे मन की बात कह दी आर्यपुत्र, चलिए ना अभी चलते हैं। प्रतीत होता है मित्र नील को मारुति की सहायता की आवश्यकता है। नहीं मारुति, ये प्रतियोगिता है, इसमें कोई अपने प्रतिद्वंदी की सहायता नहीं कर सकता। ये प्रतियोगिता के नियमों के विरुद्ध है। प्रतियोगिता के नियम तो वाली भैया ने बनाए होंगे ना? क्या मारुति वाली भैया से पूछकर मित्र नील की सहायता कर सकता है? कदापि नहीं। और कितनी सहायता करोगे मारुति? नील के हिस्से के पत्थर को फेंक कर तुम पहले ही उसकी बहुत सहायता कर चुके हो। इस भारी चट्टान को मुझ महानतम के अतिरिक्त यहाँ केवल ये मरकट ही हटा सकता है, और उसके ऐसा करने के पश्चात केसरी नंदन सीधा मेरे मुख में समा जाएगा। प्रणाम गुरुजी। मारुति और उसके अन्य मित्र दिखाई नहीं दे रहे, कहीं आपके द्वारा दिए गए किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए पाठशाला से दूर तो नहीं गए? नहीं महाराज, मैंने तो ऐसा कोई कार्य नहीं दिया है, अपितु अमावस होने के कारण आज पाठशाला में अवकाश। पाठशाला में अवकाश था, तो फिर मारुति कौन सी प्रतियोगिता की बात कर रहा? अगर यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है प्रतियोगिता? मारुति, मारुति, मारुति! चिंता मत करो प्रिय, यही अन्य बालकों के साथ खेल रहा होगा, पुकारने पर अभी सब आ जाएंगे। मारुति, 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 सुषेण, गंध मादन। ये नील यदि यूं ही प्रयास करता रहा तो उस मरकट को कंदरा के दूसरी ओर पहुंचाने में विलंब हो जाएगा। अब मुझ महानतम को ही कुछ करना होगा। नील अधिक प्रयास करो, नील अधिक प्रयास करो। थोड़ा अधिक प्रयास करो नील, थोड़ा अधिक प्रयास करो। तुम कर सकते हो नील, तुम कर सकते हो। और बता दो अपने मित्रों को कि तुम यहां पे सर्वाधिक बलशाली हो नील, तुम कर सकते हो नील। हाँ नील, नील करो नील, अति सुंदर नील, अति सुंदर, तुम कर सकते हो नील, तुम कर सकते हो।